लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है, होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, तो मैं आपसे बातचीत के ऐसा भी फिलहाल हम करने का निर्णय नहीं, ऐसे सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे तीन काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है। और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है, सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली तीन पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना, ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें दो दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ, रिएक्शन वगैरह, और वो ठीक हो गए, घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी, इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहां जहां करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, वो तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें उनको अस्पताल, अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे।
और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए, ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरा गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाए पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर आप सुन रहे थे। लॉकडाउन के लिए दिल्ली वालों से बात करेंगे केजरीवाल। फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है, बढ़ते केस चिंता की बात, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर स्पष्ट की है। और कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना को रोकेंगे, ये बात केजरीवाल ने कही। और डॉक्टर एम सी मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त